आपको पता है क्या 200 टाइम्स ज्यादा पॉइजन होता है ब्रूथस में? व्हाट डू यू नो अबाउट ब्रूथस बायो स्ट्रेंथ? नहीं ना, अस्कॉर्पियन, आप समझ गए होंगे, अस्कॉर्पियन बिच्छू है ना, बिच्छू के काटने से, ब्रूथस के काटने से उसमें जितना पॉइजन है 200 गुना ज्यादा होता है। आज के बाद जानिए 200 गुना ज्यादा। लेकिन होता क्या है, ये जब स्टिंग से मारता है, अपना स्टिंग बढ़ाता है, उतना ज्यादा उसका वेनम जो उसके चेहरे पर पॉइजन वो इंजेक्ट नहीं कर पाता, थोड़ा सा करता है, इसीलिए पेन होती है, बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है। लेकिन सांप के काटने में क्या होगा, उसके तालू में ऊपर के जो ऊपर में है यहाँ पर पाया जाता है मैक्सिलरी, उसको बायो में टारगेट कर मैक्सिलरी में ऊपर पाया जाता है क्या पॉइजनस ग्लैंड, और उसी में फंग है। जब वो गड़ाता है दांत को तो पंच करेगा तो इंजेक्ट करेगा वहां से, और जब इंजेक्ट करेगा कम मात्रा में क्या तुमने उसको नोच के फेंक दिया, सब कुछ वही पकड़ेगा, देखोगे तो मरने भर तो जहाँ आया ही नहीं अभी, आप बच सकते हो तो कैन सर्वाइव है ना, लेकिन क्या आपको उनको सांप काट दिया आप क्या बचना है, 10 लोग टूट गए, ऐसा नहीं है ना। 10% केस देखा गया कि वेनम के कारण मरे हैं ज्यादा करके लोग, अब अगर ऐसा हो ही गया तो क्या करेंगे, सबसे पहले उस पार्ट को काट देंगे बेदर्दी के साथ, ये कितना मेरा प्यारा है क्या कहेगा सब कुछ नहीं, तुरंत आपके पास कोई अगर चीज हो तुरंत वहां फाड़ दीजिए, ऊपर में बांध दीजिए, जितना जल्दी हो टाइम कीजिए, सिस्टर ने बताया है कि 5 सेंटीमीटर, तुरंत उस पार्ट को जल्दी से बांधिए जहां पर काटा है ताकि सर्कुलेशन रुके, और उसको काट दीजिए जितना जल्दी वहां से ब्लड रिमूव हो, और जैसे ही पॉइजन रिमूव हो जाएंगे आप उसको जल्दी से पानी से धोइए, सेवलर लगाइए या डिटोल लगाइए या बीटाडीन लगाइए, ओकाडीन लगाइए, जो लगाना हो बहुत बड़ा वोकैबुलरी है, लगाते रहिए जो लगाना हो, इसके बाद जल्दी से उसको आप हॉस्पिटल ले जाइए, और उस पेशेंट को सोने मत दीजिए, उस पेशेंट को सोने मत दीजिए। उत्तरी बिहार में केसेज होता है यार, सांप के काटे हुए लोगों को खास जानते होंगे, सांप के काटे हुए लोगों को जलाते नहीं है, सांप के काटे हुए लोग जलाते नहीं है, जैसे ही सांप काटेगा अगर बाइट से अगर उसका डेथ हुआ है तो केले के साथ, केले के थंब के साथ अपने स्टेम ऑफ द बनाना उसके साथ उसको बांध देंगे बॉडी को, और गंगा में या किसी बड़े रिवर में डाल देंगे। उनका एक कॉन्सेप्ट क्या है, एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने खोज किया है कि सबसे पहले बनता है तो ब्रेन बनता है, ऐसे सबसे पहले से क्या चल रहा था बाबू, सबसे पहले हार्ट बनता है, हार्ट बनता है, हार्ट बनता है, सिस्टर सही बुक में लिखे हुए हैं, हार्ट बनता है सबसे पहले, उसी स्टेथोस्कोप को लगा करके हम डॉक्टर पता कर लेता है कि बच्चा प्रेगनेंसी में है या नहीं, हार्ट बीट पहले आता है। लेकिन अमेरिकन साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि ब्रेन पहले बनता है, फिर कहा कि बनता सबसे बाद में क्या है, ब्रेन बनता है, क्यों आप गौर करो तो अभी आई जो नहीं खुला है ना, झील सी आपके ऐसा याद है, मैं अपनी आंखें में दो दिन ये देख चुकी हूँ, ये कीजिए ना सुनो ना, और तो झील सी आंखें वो क्या कह रही है, इसमें कि मैं मरूंगी तो मेरी इस आई को दूसरे को दे देना, आई ही क्यों प्रचार करो ना, मेरे किडनी दे देना, मेरा हार्ट दे देना, सब कुछ सुनिए कह रही है, क्योंकि डायरेक्ट ऑप्टिक नर्व वो ब्रेन से ऑक्सीपिटल रोड से जुड़ा हुआ है, जब तक ब्रेन का डेथ नहीं होगा तब तक वो भेद नहीं मरेंगे, इसका मतलब कि मरा हुआ आदमी का भेद जिंदा है, ऑक्सीपिटल लोब जो है वो जीवित है, लाइव है, और जो नर्व फाइबर वो भी जिंदा है, ऑप्टिक नर्व वो भी लाइव है, तभी उनकी बात करके ट्रांसप्लांट कर रहे हुआ पकड़ा गया। अभी रिसर्च हुआ है कि ब्रेन सबसे बाद में मरता है, और आपको बता दें सबसे पहले सांप काटने पर सबसे पहले सांप काटने पर अगर कोई ब्लॉकेज होता है तो हार्ट ब्लॉकेज होता है, हार्ट का ब्लॉकेज होना जल्दी से घर से बाहर को मर गया। लेकिन उत्तरी बिहार के लोग बड़े के लोग होते हैं दुनिया हो वो कहते कि नहीं हो सकता है जिंदा ब्रेन कैसे घूमे तो बचाता है आपको कि ब्रेन जिंदा था धीरे धीरे सब बाइक कर गया। तो आप जल्दी से आइए, असले पॉइंट पे दोस्त रखे हैं आप आयो आइए सर, जनरल इंफॉर्मेशन है मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस, पहला कि नहीं है, द फर्स्ट सेवरल आवर्स आफ्टर द बाइट आर मोस्ट क्रिटिकल, पहला घंटा जो सांप काटता है बहुत क्रिटिकल होता है उसमें है ना, मोस्ट स्नेक्स अवॉइड द ह्यूमन अनलेस द, हाँ ध्यान दीजिए लोग, जितना ज्यादा आप स्नेक से डरते हैं ना आज स्नेक भी आपसे बहुत ज्यादा डरता है कि मुलाकात मेरी ना हो, तो रेयर केस में ऐसा पड़ा पड़ जाता है, लेकिन वो भी भागता है बेचारा। आगे बढ़िए सर, फर्स्ट एड मेजर्स शुड बी अप्लाइड एज क्विकली एज ए पॉइंट है ना, एज ए पॉसिबल जो करना होगा जल्दी से बांधिए उसको, ब्लीडिंग और काट दीजिए है ना, ब्लीडिंग। आगे बढ़िए सर, फर्स्ट एड मेजर्स फॉर द सेक